आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, दिल से आपकी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक साल समाप्त होने में मात्र एक हफ्ता रह गया है। हम अगला हफ्ता इस समय इस साल को लगभग समाप्त करने के दूरी में पहुंच जाएंगे। हम लगातार एक मुद्दा के आधार पर वचन को सुनते आ रहे हैं। आज मैं दो मुद्दा को आधा आधा घंटा करके बोलूंगा। अगला हफ्ता इतवार के आराधना में फिर दो मुद्दा के आधार पर आधा आधा घंटा बोलूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रचार इस साल में समाप्त हो जाए, नए साल में नया प्रचार हम सुनेंगे। इस दृष्टिकोण के साथ लगातार हम सात प्रकार की परिपूर्ण जीवन के बारे में सुनते आ रहे हैं। पहले हफ्ता आप लोगों ने सुना था, आर यू थैंकफुल, क्या आप धन्यवादी हैं परमेश्वर के लिए। दूसरा हफ्ता हम लोगों ने सुना था, क्या आर यू फेथफुल, क्या आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं। और तीसरी हफ्ता हम लोग यानी दूसरी हफ्ता संडे इवनिंग में प्रचार के समय में मैंने प्रचार का किया था परमेश्वर के वचन से, आर यू ट्रूथफुल, क्या आप सत्य में हैं, सत्य के साथ हैं, सत्य पे चलते हैं, सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। इन बातों को सत्य के संबंध में हमने आपके सामने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया था। आज आधा आधा घंटा यानी एक घंटा में दो बात को आपके सामने रखने के विचार हैं। अगला हफ्ता भी एक घंटा में दो बात को रखने के विचार है। आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर इस परिपूर्णता में हम बढ़ रहे हैं और इस परिपूर्णता में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। आर यू पीसफुल, एक और मुद्दा है, क्या आप शांति के साथ हैं और आप शांति का कोजी हैं। बहुत लोग शांति शांति करके शांति के बारे में सुने होंगे, लेकिन उस शांति को पाने के लिए किसके पास जाना है, कौन शांति देने वाला है। शांति देने वाला परमेश्वर कौन है। दुनिया में अनेक देवता हैं, लेकिन शांति मुझको कहां से मिलेगी, कौन मुझको शांति देता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस दृष्टिकोण के साथ यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 26 अध्याय, थोड़ा सा आज जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं, आधा आधा घंटा में एक एक घंटा का दो घंटा का प्रचार तो एक घंटा में बोल रहे, इसलिए थोड़ा सा आप भी अपना तेजी में मेरे साथ चले। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 26 अध्याय उसमें 3 और 14 पद को पढ़ें। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो विश्वासी, वो सेवक, वो इंसान परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा परमेश्वर पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन काल का चट्टान है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आर यू पीसफुल, क्या आप शांति के बारे में जानकारी रखते हैं, और वो शांति कौन देता है, और उस शांति को पाने वाला किस प्रकार पा सकता है। इस प्रकार के जो सवाल है शांति के प्रति हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उस सवालों का जवाब परमेश्वर का वचन से हमें मिलती है। परमेश्वर का वचन एक आईना का समान है। जब हम सवेरे तैयार होके घर से निकलते हैं, निकलने से पहले कम से कम 5 बार, 50 बार, 500 बार दर्पण देख ही लेते हैं, क्योंकि हम के देखने वाले मुझे हमें अच्छा समझे। कोई कोई बाल भी नहीं जाते, ऐसे उठ के चले आ जाते हैं, तो कोई कोई कंघी से बाल नहीं जाते हैं, कोई कोई ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, चाची के अंदर भी लोग जानने लगते हैं, आपका सारा बाल झड़ ना जाए। भाई भाई मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक मुद्दा है कि शांति देने वाला कौन है और उसको पाने का क्या तरीका है, और पाने वाले अनेक हो सकते हैं, कौन प्राप्त करते हैं। भाई बहन, बाइबल धर्मशास्त्र में एक आईना की तरह इस संबंध में ज्ञान की बातों का भी निकलाती है। कौन नहीं पा सकता, एक सवाल है, शांति किसको नहीं मिल सकता, पहले उसको जाने पढ़ेंगे। 48 अध्याय यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, 48 अध्याय
उसकी आखिरी पद को पढ़ेंगे, 22 पद में लिखिए आखिरी पद के लिए शांति नहीं, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है, परमेश्वर का यही वचन है। इस संसार में जो दुष्टता करता है उसको शांति नहीं, दूसरों की शांति को जो बिगाड़ता है उसको भी शांति नहीं होगी। भाई बहन ध्यान दीजिए, परमेश्वर पिता स्पष्ट तौर से आर यू पीसफुल, क्या आप उस शांति देने वाला परमेश्वर की शांति में हैं? उस शांति को आप दूसरों को बांटने में हैं? उस शांति को आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? कौन शांति को परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता है? सवाल का जवाब लिखा है, दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं। कुछ मतलब इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना तक एक बूंद भर भी वो शांति को परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता है। संताल नदिया उसी किताब में आखिरी पद फिर पढ़े, वहां पर एक बार और परमेश्वर इस पर जोर देता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं शांति के साथ रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ हैं शांति के साथ रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के लोगों के साथ रहेंगे शांति के साथ रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के मंदिर के साथ कलीसिया के साथ कलीसिया के लोगों के साथ, ये एक परिवार है, इस परिवार के साथ आप मिलकर रहेंगे, निश्चित रूप से आप शांति पाएंगे। परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के सेवकों से अगर आप हट के इधर उधर के बात करते हैं, दाएं बाएं भागने लगते हैं, निश्चित रूप से आप परमेश्वर की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं, जो शांति देता है उस शांति देने वाला परमेश्वर का ये वाणी है। इस सुबह के समय में इस बात पर ध्यान दें, मैं एक बार और पढ़ाना चाहता हूं, पढ़े 21 पद दुष्टों के लिए संसार में शांति नहीं मिलेगी, मेरा परमेश्वर का यही वचन है। अब ध्यान दीजिए, शांति देने वाला परमेश्वर अब सबको शांति देने के संबंध में फिर से 24 अध्याय दूसरा तीसरा और चौथा पद को पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। कौन परमेश्वर का शांति को प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर में जो धीरज के साथ चलता है। एक वचन के यहाँ एक आत रखिए, पढ़े पढ़ेंगे इब्रानियों भविष्य इब्रानियों की पुस्तक उसकी तीसरी अध्याय और उसका पहला पद को पढ़ेंगे, फटाफट पढ़े, इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस तरह और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो उसके साथ धीरज के साथ चलते रहो। जब तक आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे धीरज के साथ, उसी पर आपका दिल लगी है, आपका मन उसी पर अगर धीरज के साथ उसी के साथ धीरज के साथ धरे हुए हैं चलते हैं, निश्चित रूप से आप परमेश्वर की शांति को पाएंगे। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता, किस मनुष्य को रक्षा करता है, किस मनुष्य को पूर्ण शांति देता है, जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर में जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे बादल फट जाए, चाहे भूमिडोल हो जाए। एक वचन को पढ़िए, बताइए सुसमाचार की पुस्तक उसकी 7 अध्याय 24 पद से लेकर पढ़ेंगे, जिनको मिल जाए पढ़े, मती 7 अध्याय का 24 से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मेरी बातों को मानता है, देखिए जो प्रभु की बात को मानेगा उसी को शांति मिलेगी, जो प्रभु की बात को नहीं मानेगा वो ला के सर को जमीन पर रख ले, पैर को साल भर भी ऊपर उठा के तपस्या क्यों ना करे, चाहे शहर में चाहे गांव में चाहे नगर में चाहे जंगल में चाहे पहाड़ के ऊपर भी चला जाए, उसको शांति कभी नहीं हो सकती। सबको मुझे देखिएगा, ध्यान दीजिए भाई बहन, शांति पाने का रास्ता भाई धर्म शास्त्र बतलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानकर मेरे पढ़े, क्यों नहीं वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान रहेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो और मैं बरसा बाढ़ आई आंधियां चली और इस घर से टकराई फिर भी वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई है। भाई बहन ध्यान दीजिए, अब इस वचन के यहाँ पर रुकेंगे, मैं फिर उसी वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसकी 26 अध्याय की 14 पद है, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन काल का चट्टान। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। अगर आप इस चट्टान के ऊपर विश्वास रखेंगे, इस चट्टान के ऊपर अपना घर बनाएंगे, इस चट्टान के ऊपर आप अपना जीवन को बनाएंगे, इस चट्टान से आप अपने बाल बच्चों को मुलाकात कराते रहेंगे, इस चट्टान के साथ आप अपने दोस्तों से मिलाएंगे, इस चट्टान के साथ आप अपने रिश्तेदारों को मिलाएंगे, गांव वालों को मिलाएंगे, आपके साथ काम करने वाले पढ़ने वाले मित्र यार दोस्त जो भी हैं, सबको इस चट्टान के साथ मिलाएंगे, तब जो शांति आप पाए हैं वो शांति वे भी पाएंगे। ताली बजा के कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप कपड़ा खरीद सकते हैं दुकान में, या कलम खरीद सकते हैं, या मोबाइल खरीद सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, लकड़ी खरीद सकते हैं, ये पौधा खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, दाल खरीद सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, तेल मसाला खरीद सकते हैं, लेकिन शांति किसी भी दुकान में नहीं मिलती है। अगर कोई दुकान में शांति मिलती है वो परमेश्वर का घर है। ताली बजा के और कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी, और वो इस परमेश्वर का धर्म शास्त्र के अंदर से हमें प्राप्त होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, आज भी स्कूल आपके अंदर शांति रहेगी, आप भी शांति का शांति देने वाला परमेश्वर से लोगों को मिलाएंगे। यीशु मसीह अकेले आके प्रचार करके वो जा सकता था, क्यों चेलों को चुना, 12 चेले 70 चेले, उसके बाद 120 चेला हो गया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया जा रहा था, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय बाद में पढ़ लीजिए, 500 से ज्यादा लोग एक साथ सबको यीशु मसीह को देखा है। भाई बताना चाहता हूं, बता दिए इतने लोगों को यीशु मसीह को तैयार करने का क्या जरूरत है। ये परमेश्वर की जो भी आशीषें हैं केवल हमारे लिए नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आशीषें केवल हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर सबके लिए अपने आशीष को रखता है। एक वचन को पढ़िएगा मेरे ख्याल से, इफिसियों को पत्री उसकी दूसरी अध्याय, इफिसियों को पत्री उसकी दूसरी अध्याय, पहला पद से लेकर फटाफट पढ़ेंगे, 2:1 से पढ़ेंगे, उसने तुम्हें भी जिलाया है अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अपनी आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करते थे। ये बहुत गंभीर बात है, अशांत कौन होते हैं इसको यहाँ पर वेद बतलाती है। परमेश्वर की आज्ञा को जो नहीं मानता वो परमेश्वर की शांति को खो देता। पहले हम प्रभु में जब हम प्रभु में नहीं थे उस समय हम अशांति में थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद अगर हमारे अंदर अशांति की बातें आती है, बैठ धर्म शास्त्र बतलाती है, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, अशांति उनके अंदर कार्य करती है जो परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हैं। इसके लिए बोलचाल भाषा है, जो परमेश्वर की आज्ञा को टाल मटोल करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को जो टाल मटोल करते हैं, अनसुनी करते हैं, आज्ञा ना मानते हैं, परमेश्वर के आधीन में नहीं रहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के आधीन में, परमेश्वर की इच्छा के आधीन में जो आना नहीं चाहते, जो झुकना नहीं चाहते, वे बारंबार अशांत हो जाने की संभावना है, वो सत्य है। भाई धर्म शास्त्र इसकी बतलाती है, वजह
जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। भले भले आप परमेश्वर को जानने वाले हो सकते हैं, भले आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हो सकते हैं, भले आप प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, भले आप दूसरों को प्रभु के बारे में बताने वाले हो सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अशांति हमारे अंदर तब आएगी जब हम परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ेंगे। दुनिया में सबसे पहला पाप अनाज्ञाता अनाज्ञाकारिता कार्यता के चलते हुआ है, डिसोबीडियंस। परमेश्वर की आज्ञा को जब आदम अव्वा दोनों ने मिलकर टुकराया, पहले अव्वा टुकराई उसके बाद आदम को फल देके उससे भी बोली कि आप भी परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कीजिए, उसके बाद उनके अंदर अशांति छा गई। भाई बहन ध्यान दीजिए, दुष्ट कोई संसार में शांति नहीं। 48 अध्याय यशायाह पढ़ेंगे, पढ़िए 48 अध्याय के आखिरी पद 22 पद, 57 अध्याय की 21 पद में, दोनों पद में परमेश्वर खुद कहता है जो जो दुष्ट है, जो दुष्टता के अधीन में रहता है, जो दुष्टता करता है उसको शांति कभी नहीं होगी, कभी नहीं शांति होगी। भाई बहन परमेश्वर हमारा शांतिदायक है, वचन के साथ हमें शांतिदायक जीवन भी दिया है, इसको संभालिए, इसको संभालिए। बिगड़ने के बाद कब होता होगी, जब आप परमेश्वर का आज्ञा को आप उल्लंघन करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं अभी पढ़ना नहीं, समय बहुत कम है इसलिए मैं ऐसी बोल रहा हूं, पहला पढ़ते 10 देखकर बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन एक वचन को जरूर पढ़ना जरूरी है। उसमें अमेरिका 4 पद को पढ़ेंगे, पहला पद की हो उसकी 10 अध्याय के 4 पद। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, जल पिया क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से वे सब कोई पीते थे जो उनके साथ साथ चलते थे, जो उनकी साथ साथ चलती थी। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। भाई बहन ध्यान दीजिए, मैं आप में से कई लोग ज्यादा वचन के जानकार नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये जो चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह है हमारा घर का नींव का भी काम आता है, हमारा प्यास को बुझाने वाले, पानी को देने वाला चट्टान रूप में भी कार्य करता है। तीसरा, ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह हमें हमें इस संसार की चरवाहा की तरह रास्ता में छोड़ के भागता नहीं, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चट्टान है, सबको याद देखे मैं धर्म शास्त्र बतलाती है, ये चट्टान हमारा साथ साथ चलने वाला चट्टान है। ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमें शांति देता है उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये हमारा नींव है, हमें चाहे हमारा घर का हो, चाहे हमारा आत्मिक जीवन का हो, चाहे संसार में जीने वाला जीवन के लिए क्यों ना हो, हमें ये चट्टान डगमगाने नहीं देती है। ताली बजा के हमें हिलने ढुलने नहीं देती है, हमें स्थिर रखती है, हमें अस्पष्ट तौर से संभालती है, सहायता करती है। एक बोलचाल भाषा में अगर कहा जाए, जिस तरह कोई चीज को हम टानते हैं उस तरह ये चट्टान हम सब लोगों को टान के रखती है, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारे लिए शांति देने वाला प्रभु है। और वो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमारे लिए शांति का रूप में आता है, एक घर का नींव के समान, इस आत्मिक जिंदगी जीवन का नींव के समान है। परमेश्वर का जो घर है, इस घर अर्थात कलीसिया के लिए नींव के समान है। और ये प्रभु यीशु के बारे में बाइबल अनुसार बतलाती है कि इस चट्टान के ऊपर हम अपना विश्वास को जमा के घर बनाने के जैसे हम उस पर आ जाएंगे, उसका हम नींव बना करके उसके साथ हम जुट जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि चाहे आंधी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे मेघ बरसे, चाहे बादल फटे, चाहे समुद्र की लहरें उठ करके आके सुनामी के तरह
टकराए फिर भी हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अस्थिर रहेंगे। ताली बजा के इस चट्टान का जो शांति देने वाला चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, इस प्रभु यीशु मसीह का अनेक रूप है, अनेक रूप है वहां मेरे लिए शांति का कारण बनता। हम सभी बातों को बतलाएंगे तो यहीं पर हमें रुकना पड़ेगा। फिर भी एक बार इस बात को मैं आपके सामने रखता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसकी 10 अध्याय और उसमें 4 वर्ष एक बार और पढ़ रहे हैं। सबने एक ही आत्मा आत्मे के जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। ये चट्टान नीचे भी काम आता है, नीर की किस तरह शांति दे रहा। देखिए ये चट्टान हमारे लिए अंदर पानी का जमा करके रखा है। चाहे आप शहर में रहिए, चाहे आप गांव में रहिए, चाहे आप जंगल में रहिए, चाहे आप मरुभूमि में रहिए, चाहे आप कहीं भी क्यों ना रहे, आपको जब प्यास लगेगी उस समय ये चट्टान अपने में से आपको पानी पिलाएगी। हालेलुया, 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 आवाज नहीं आ रहा, हालेलुया। हर परिस्थिति में ये चट्टान हमारे लिए काम आती है। इस कुर्सी में बैठे वो आपको देखने वालों को दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे लिए कितना बड़ा शांति का कारण बनता है। ये लोग सब कोई मरुभूमि में जाते थे, मरुभूमि में जाते समय में इनको अचानक प्यास लगे, तब मूसा से लड़ने लगे कि मूसा हमें पानी पिलाइए। तब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर ने मूसा से कहा ये जो चट्टान इसको मारो, अपने लाठी से अंदर से पानी निकलेगा। ये चट्टान ना केवल हमारे लिए नीर का कारण बनती है, ये चट्टान ना केवल हमारे लिए पानी पिलाने वाला चट्टान है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये चट्टान हमारे लिए शांति के लिए किस प्रकार कार्य करती है। नीचे लिखा है जो उसके साथ साथ चलती थी, ये चट्टान उनके साथ साथ मिस्र देश से जितने इसराइली रवाना हुए थे कानान देश इसराइल देश की ओर, उनके साथ साथ ये चट्टान चलती थी। चट्टान चलती है भैया, लेकिन ये चट्टान चलने वाली चट्टान वही हमारा प्रभु यीशु मसीह। ताली बजा के ये चट्टान चलने वाली, आप कहीं भी रहिए, कैसा भी परिस्थिति में रहिए, कैसा भी दुख में रहिए, मुसीबत में रहिए, क्लेश में रहिए, संकट में रहिए, समस्या में रहिए, चाहे बीमार में रहिए, लेकिन इस चट्टान आपके पास छल के पास आए आपको शांति हालेलुया, आपको तसल्ली देने के लिए, आपको संतावना देने के लिए, आपको परमेश्वर सहायता करने के लिए आपके पास आकर के आपको शांति देता है। इस कारण बाइबल धर्म शास्त्र बतलाते फिर से ये चाहे वचनता की पुस्तक उसकी 26 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। जिसका मन जिसका मन देखिए सबको ये नहीं है, ये शांति सबको नहीं मिलने वाली है, ये संतावना सबको नहीं मिलने वाली है, ये तसल्ली सबको नहीं मिलने वाली है। जिसका मन तुझमे धीरे धरे हुए है उसको तू पूर्ण शांति के साथ, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपको पूर्ण शांति चाहिए, आपका मन परमेश्वर में धीरे धरे रहे, कुछ भी कष्ट आ जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, कुछ भी दुख आ जाए, कुछ भी क्लेश आ जाए, कुछ भी मुसीबत आ जाए, हम उससे हटेंगे नहीं, दाएं बाएं नहीं जाएंगे, हमारा मन उसी में धीरे धरे रहे। मैं 1988 में बपतिस्मा लिया था, आप में से आधा लोगों को जन्म नहीं हुआ, आधा से ज्यादा लोगों को 1988 में जन्म लिया, 88 में बपतिस्मा नया जन्म लिया था, बपतिस्मा लिया था। उस नया जन्म लेने के बाद आज इतना साल बीत गया, उधर 12 इधर 23, कितना हुआ, कितना साल हो गया, 35 साल पार हो गया। फिर भी आदमी अटल है, दृढ़ है, मजबूत है, शांति के साथ है, तसल्ली के साथ है, परमेश्वर के संतावना के साथ रहने का एक ही एक कारण हमारा मन उसी में धीरे धरी हुई है। हम इधर उधर नहीं ताकते, घोड़ा को क्या करते हैं, लगाम कसते हैं, बांधते हैं, क्यों,
घोड़ा का जो मालिक है उसका अगर यहाँ से बिहार जाना है तो यहाँ से अगर उड़ीसा जाना है, यहाँ से कलकत्ता जाना है, बंगाल जाना है, तो बैठ जाएगा तो सीधे उसको बंगाली दिखाई देगा, घोड़ा को उड़ीसा ही दिखाई देगा, बिहार ही दिखाई देगा, यूपी ही दिखाई देगा, उसके चलते बांध दिया जाता है। तो हम ठंड के समय में क्यों पगड़ी बांधते हैं जी, टोपी क्यों पहनते हैं, कान के अंदर हवा ना घुसे, ठंड कम लगे। भाई बहन जान दीजिए, इसी तरह अगर हमारा मन परमेश्वर में धीरे धरे धरी हुई होगी तो परमेश्वर पूर्ण शांति देगा, ये नहीं है थोड़ा इतना इतना इतना, पूर्ण शांति देगा, परिपूर्ण शांति देगा। उस शांति को पाने के लिए ही परमेश्वर हमें कलीसिया के अंदर लेके आया, यहां ले आने के कारण उसकी शांति हमें वो देना चाहता है, ना केवल मार्ग में चलते हुए देगा, ना केवल मकान का नींव बन के देगा, ना केवल प्यास बुझाने के लिए देगा, वो साथ साथ चलते 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 परमेश्वर के नाम की स्तुति हो अपने शांति परिपूर्णता के साथ हमें देते रहेगा। ताली बजाओ। हम गीत गाते हैं, मैं तेरे आगे आग चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, चट्टान परमेश्वर के साथ था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इसलिए भाई धर्म शास्त्र बतलाती है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन खुद परमेश्वर था, वो वचन बेदारी हो के। एक वचन को पढ़िए, योहन्ना पहला अध्याय उसके 14 पद को पढ़िए, योहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके पहला अध्याय का 14 पद, वचन बेदारी होकर अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल धर्म शास्त्र बताती है, वो प्रभु यीशु हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, ये इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उस महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट करने के लिए और खुद पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा को प्रकट करने के लिए मनुष्य को रूप धारण करके इस संसार में आया, अनुग्रह और सच्चाई को उसने प्रकट किया, लोगों को अपने वचन के द्वारा शांति दिया। इस शांतिदायक वचन को परमेश्वर ने सबको दिया। ताली बजा के परमेश्वर जान लीजिए, आपको मुझे
हम सबको दुनिया में जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वही धर्मशास्त्र बताते वो नाश ना हो परंतु परिपूर्ण शांति पाए अर्थात अनंत जीवन को पाए। उस अनंत जीवन को देने के लिए उस परिपूर्ण शांति को हर पापी इंसान को देने के लिए उसने एक बहुत बड़ा त्याग किया। पुराने नियम में नए नियम में एक एक वचन को पढ़ेंगे। पुराने नियम में यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसकी 54 अध्याय उसमें 5 पद को पढ़ेंगे। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसकी 54 अध्याय उसकी 5 पद परंतु यीशु प्रभु हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। हमारी शांति के लिए उस पर ताना पड़ी। यीशु प्रभु पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम लोग चंगे हो जाए जाकर शांति के कारण हमारे जितने पाप थे हमारी तमाम पापों को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर लाद दिया। अब बाइबल धर्मशास्त्र बताती है हमारे ही शांति के कारण हमारे ही अपराधों के कारण हमारे ही गुनाहों के कारण परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह पर सारे अपराधों का दंड को लाद दिया। हम पापियों को छोड़ दिया, हम पापियों को बचा लिया, हम पापियों को बरी किया, हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस जगह में उसने एक मेमना की तरह बंद किया। 5 पद के एक बार और पढ़ेंगे। कुछ लोगों का बाइबल नहीं इसलिए उनको समझना जरूरी है, पढ़ेंगे। परंतु प्रभु यीशु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु प्रभु हमारे अपराधों के कारण कुचला गया हमारी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर तारना पड़ी। उसकी कोड़े खाने से हम सबको चंगे हो जाते हैं। आज हम शांति के साथ हैं। उसका कारण कौन है? उसका कारण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज हम बलि चंगे भले चंगे हैं। उसका कारण प्रभु यीशु मसीह। एक बार और समझते हुए ताली बजाते में एक बात को देखेंगे। नया नियम में इस शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया था चुकाने के बारे में दाम चुकाने के बारे में जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने किया था उसको वास्तविकता में यहाँ पर कुलुशी गलिशिया के लोगों को पौलुस लाता है। मत्ती मरकुस योहन्ना लूका इन चारों जो सुसमाचार की पुस्तक है इसमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जिक्र है। लेकिन उससे हम क्या प्राप्त किए हैं? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, किस प्रकार उस शांति का हमने प्राप्त किया? 20 पद कुलुसियों को उसकी पहला अध्याय कुलुसियों के पत्री उसकी पहला अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो स्वर्ग में की हो। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ठीक है, उसने उसकी सारी देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप, मृत्यु के द्वारा यीशु अपने मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बुरे थे, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है निकाले हुए थे। कहां से निकाले हुए थे? हम स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं थे। हमारे काम, हमारे अपराध, हमारा पाप, हमारे श्राप, हमारा अंधकार, हमारे ऊपर का जितने दंड होना चाहिए था इन कामों के चलते हम उसमें जाने लायक नहीं थे। लेकिन प्रभु की दया हमारे जीवन में इस शांति को लाई है। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें परमेश्वर को उसने मेल मिलाप करा के ताली बजा के परमेश्वर को। आज हम यहाँ पर
शांति के कारण शांति के साथ अगर बैठे हैं आपके घर में, आपके गांव में, काम करने की जगह में, पहाड़ की तरह 50 समस्या एक ही समय में अगर आपके सामने आ भी जाता या 500 समस्या एक ही समय में आपको घेर भी लिया होता तो परमिया हम हिलते डुलते नहीं। वजह परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें शांति दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे प्राणों मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे प्राणों मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे प्राणों मसीहा मेरा दुनिया में सबको बोली यीशु शांति का राजा। आपके अंदर सचमुच अगर परमेश्वर का शांति है उसको बांटिए। किसान बीज टोकरी में ले लेता है, अपना खेत में जाके क्या करता है बोलिए, बोता है अपना खेत में ही बोता है, बगल में नहीं ना बोलेगा। लेकिन ये उल्टा, ये फार्मूला उल्टा है। आपके अंदर अगर शांति है सबको दीजिए, थाली बजा के मैंने कहा था एक और बात को भी बोलूंगा, प्रभु के नाम की स्तुति को। आर यू मीनिंगफुल? 20 मिनट के अंदर मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं,
समय को मन में रखते हुए कि कुछ सफाई का काम रुक गया है उसका आज संध्य संजय के नेतृत्व में कराई दिया जाए। ध्यान दीजिए, तो इसलिए सब काम को मन में रखते हुए हम बोल रहे हैं, ठीक है, राइट। आर यू मीनिंगफुल, आर योर लाइफ इज मीनिंगफुल, आपकी जिंदगी अर्थ से भरी हुई है या जानवर के तले जी रहे। मैं फिर बोल रहा हूं मुद्दा को, क्या आपकी जिंदगी अर्थ से भरी है, सीखने लायक है, सुझाव देने लायक है, बचाने लायक है दूसरों को, आत्मिक आप बन गए, दूसरों को बचाने लायक हो गए, या आप, बुरा मत मानिएगा, मुझे भी लेकर के बोल रहा हूं, जानवर को जीने का कोई इरादा नहीं होती, जानवर लोगों को जीने का कोई इरादा नहीं होती, तो उस तरह कहीं हम जानवर के तरह तो हम बिना अर्थ के जी तो नहीं रहे, जीने का मकसद होना चाहिए। हालेलुया, गीत भी गाते हैं ना, मेरा जीने का मकसद तू है, मेरा जीने का कारण भी तू है, जीना हो मरना हो केवल तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। ध्यान दीजिए, ये मत पूछिएगा उसका क्या नाम, हम लोग के साथ जब हम लोग बिहार गए थे सेवकाई में, अब 3-4 साल के बाद हमारे साथ सेवकाई करने के लिए एक व्यक्ति आया था, तो उसको हर साल एक बच्चा होता था, उसका हर साल वो क्या करेगा, फील्ड में से 15 दिन फील्ड में रहेगा, 15 दिन भाग जाएगा अपना गांव। तो हम लोग अचानक एक बार गए, आदमी नहीं था, घर में ताला लगा हुआ था, ध्यान दीजिए, फिर अचानक एक बार नेक्स्ट मंथ में अगला महीना में गए तो फिर ताला लगा, फिर तीसरा महीना में उस तरह गए, तब हम लोग समझ गए भाई कुछ गलत हो रहा, कहीं कुछ बिगड़ रहा मामला। तो उसे जोनल मीटिंग सेवक लोगों का मीटिंग होती थी, तो हम लोग उसे मिलते थे, एक दो दिन थोड़ा होशियार थे, उसको अलग से ले जाकर के नाश्ता वास्ता कराए, तब पूछे कि बाबरे, हम लोग से उम्र में छोटा था, जल्दी उसको शादी हो गया था, बाबरे तो 3 महीना लगता हम तुम्हारा फील्ड में आए, ताला लगा हुआ था, क्या मतलब क्यों तुम फील्ड में नहीं रहता, तो इधर उधर करके बोल रहा था, लेकिन हम लोग नहीं माने और उसको अच्छा से दबा करके सवाल करके पूछने के बाद बोलता है, जानते फिर लास्ट में हम लोग एक सवाल करते उसे, हर साल एक बच्चा तुम्हारा वो ही जाता है, तब हम लोग पूछे कि भाई क्या मतलब है तुम्हारा, बोलो, हम लोग उम्र में बड़े हैं लेकिन हमारा शादी नहीं हुआ, तुम्हारा तो शादी हो गया लेकिन तुमसे हम लोग सीखेंगे, बोलो क्या मतलब है। उसके लिए बोला भैया जानते हैं हमारा पड़ोसी का 9 बच्चा है, हमारा कम से कम 12 हो जाए, उसका जीने का इरादा ही। हम पूछे भाई क्या देश का राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बने, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, तो उसके लिए बोलता नहीं हमारा पड़ोसी 9 बच्चा है, ठीक है, हमारा 12 रहेगा तो ये लोग दाब देंगे उसको, वो इसके मतलब इसीलिए बच्चा पैदा कर रहे हैं। बाप रे बाप, हम तो कहेंगे हिंदुस्तान के सैनिकों को छुट्टी दे दिया जाए, इसी परिवार को ले जाकर के सीमा पार के किनारे ले जाकर खड़ा कर देते बंदूक दे। बहुत लोगों को जीने का इरादा कुछ और होता है, बाइबल धर्म शास्त्र हमें सिखाती है कि क्या आर यू मीनिंगफुल, बोली में, चाल चलन में, जिंदगी में, रहन सहन में, हर बातों में क्या आप दूसरों को सिखाने लायक हैं, आपकी जिंदगी दूसरों को बताने लायक है, केवल किताब को पढ़ करके समझना नहीं, किसी किसी इंसान को देखते ही लोग पढ़ लेते हैं, उनसे सीखते हैं। जब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे, उनको उनका हाइट बहुत कम था, तो कम हाइट होने के कारण उनको बहुत इच्छा था कि मैं पायलट बनूं, हवाई जहाज ऊपर उड़ के जाता है ना उसको मैं चलाऊं, उनको बहुत इच्छा था, वो गरीब घर के थे, बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति, ईश्वर उनको बहुत ध्यान दिया, और वो व्यक्ति जब ट्रेनिंग लेने के जगह में गए, उनका हाइट देख करके वहां का अधिकारी लोग सबको मचा गए, अरे ये तो नाटू राम है, इससे थोड़ी होगा, इससे थोड़ी संभलेगा, हटा हटा इसको हटाओ,
क्योंकि गरीब घर का लड़का था, राजनीति हर जगह में होता है। बात समझ लीजिए, जाति का असर है और गरीब परिवार का असर है। इतना बेइज्जती किया उनको, उसके बाद आकर वो लगे पड़ने, अरे क्यों हम पायलट बने? जो गाड़ी हवाई जहाज है और जो रॉकेट जाता है, ठीक है, ये बनाने का काम मैं करूंगा करके दिमाग में सेट कर दिया, पढ़ाई करने लगा। हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट अगर वैज्ञानिक रहे या था या है या रहेगा तो केवल अब्दुल कलाम साहब ही रहेंगे। ताली बजाते होना चाहिए, एक जीने से एक अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल। और आर यू मीनिंगफुल? आप उस प्रकार के एक अर्थ भरी जीवन जी रहे हैं। मदर टेरेसा को लीजिए, मदर टेरेसा, उनसे आप उनके बारे में किताब पढ़ने की जरूरत है, देखते ही उनसे आदमी सीखता है। मैं एक मिशनरी के बारे में मैं सुना था, मैं उस गांव में गया था, झारखंड में हजारीबाग करके एक जिला है, हजारीबाग जिला से धनबाद आने का रास्ता, हजारीबाग जिला से मेन रोड आने का, इधर बिहार आने के लिए धोबी करके एक जगह, गया आने से पहले बाईपास रोड, ये दोनों रोड को कनेक्ट करने के लिए उस हजारीबाग जंगल में से मेन रोड लाने का काम, बनाने का काम एक मिशनरी वहां थे बहुत सौ साल के पहले, उनका नाम एंड्रू, उस मिशनरी ने किया, उस गांव के लोगों का ऐसा मोटिवेट किया है, उत्साहित किया है। तो हम लोग क्यों इस प्रकार जीवन जिए? उससे चलो सब मिलकर के हम लोग रोड बनाएंगे। एक मिशनरी मिलकर के उधर से धनबाद जाने के लिए इधर से बिहार कनेक्टेड रोड धोबी जो गया आने का रास्ता है, दोनों साइड में हजारीबाग जंगल में से रोड बनाने का काम। आपको मालूम है आज भी जो रोड चल रहा है, आज भी जो रोड वहां के लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का बनाया गया रोड है। ताली बजा के मतलब वहां आप ही मिट्टी वाला रोड नहीं, उनका जो बनाया हुआ रोड था उसी पर लोगों ने ईटा पत्थर देकर के बीच का रोड पक्का रोड अभी बनाया हो। तो मेरे कहने का मतलब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे लोग सीखे, अर्थ हो। बैंक धर्म साहब बतलाती है, पढ़ेंगे पुरुष युग पत्री, उसकी पुरुष युग पत्री उसकी चार अध्याय 29 तो पढ़ेंगे, 4 का 29 इफिसियों को पत्री, इफिसियों को पत्री 4 का 29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, पर आवश्यकता के अनुसार तभी निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। देखिए आपके मुंह से जो बातें निकलती है, आपके शरीर में से, आपके जीवन में से जो भी बातें निकलती है, वो सामने रहने वालों के लिए उन्नति का कारण बने, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब आप जहां भी रहते हैं, जहां रहते हैं वहां पर आपके अंदर जो अच्छाई है उसको उनके अंदर लाने के लिए मेहनत कीजिए, कार्य कीजिए। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक अच्छाई को आप ला नहीं सकेंगे। प्रभु हमसे यही उम्मीद रखता है, यही आशा रखता है कि आपके अंदर जो अच्छा गुण है उसको आप दूसरों को ऊपर थोप दो जबरदस्ती। लोग गलत बातों को, गंदी बात को लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अच्छी बात को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस तरह गलत बातों को सिखाने के लिए, थोपने के लिए जबरदस्ती की जाती है, उसी तरह अच्छी बातों को भी लोगों के अंदर डालने के लिए, थोपने के लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। जब तक आप स्वर्ग का राज, बैल धर्म साहब बताते प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज जबरदस्ती की जाती है, जो जबरदस्ती करेगा वही उसके अंदर प्रवेश करेगा। सब कोई अपने से नहीं जा सकता, जबरदस्ती करना पड़ता। मैं आऊंगा प्रभु, मैं स्वर्ग में आऊंगा। कितने लोग इस प्रकार अपने जीवन में
इस प्रकार आदत बनाए हुए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए जो उसके साथ जबरदस्ती करेगा वही उसके अंदर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दो मार्ग है, एक सकरा है, इसके जाने इसके अंदर जाने वाले जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, एक चौड़ा है, वहाँ कोई पूछताछ नहीं होती है, रोक टोक नहीं होती है, मनमानी जीवन बिताइए, जो मन आएगा वो कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन ये जो सकरा मार्ग है, ये मार्ग में आपको रोक टोक होगा, लोग पूछताछ करेंगे, रुक के आपसे सवाल करेंगे, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा मार्ग में अगर आप जाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सत्रह मार्ग जीवन की ओर पहुंचाती है। ताली बजा के चौड़ा मार्ग में जीवन नहीं है, चौड़ा मार्ग नरक में ले जाके छोड़ देगी। अगर कोई कहे हम अपनी इच्छा के अनुसार जिएंगे, वो व्यक्ति निश्चित रूप से नरक में जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर नहीं करता, परमेश्वर को वचन की आदत नहीं करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहता है। जैसे दुष्ट को शांति नहीं है, वैसे ही जो व्यक्ति इस परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता है, उसको स्वर्ग राज नहीं। भाई बहन इस पर ध्यान दीजिए, मैं कुछ बातों को जल्दी जल्दी आपके सामने ला रहा हूं। यह लिखा है क्या आपके जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरित करता है, मोटिवेशनल है? आपके जीवन को देख करके दूसरे लोग कुछ सोचते हैं, उनके जैसे बाल बढ़ाएं, इनके जैसे बाल कटिंग करें, इनके जैसे दाढ़ी रखें, उनके जैसे कपड़ा पहने, ये सब कूड़ा। उनके जैसे प्रभु का वचन को जाने, उनके जैसे बाजा बजाए गीत गाए, उनके जैसे लोगों से परमेश्वर के बारे में सही तौर से प्रचार करें, सही तौर से परमेश्वर का मार्ग दिखाए, मार्ग सिखाए, रहना तो उनके जैसे रहना है, जीना तो उनके जैसे जीना है। इस प्रकार क्या आपके जीवन प्रेरणादायक है? आपके जीवन दूसरों के लिए उत्साहित करती है, जबरदस्ती करती है, परमेश्वर को और आप लोगों को धक्का देकर के भेजते हैं, या कोई भी कैसा भी रहे उससे आपको क्या मतलब है? कोई जाए या ना जाए, कोई मेरे साथ आए या ना आए, तो हम चले जाएंगे स्वर्ग में। यीशु मसीह का जीवन वैसा नहीं है। यीशु मसीह सबके लिए अपना जीवन को कुर्बान किया है। इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्या आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक है? हम एक कलर कपड़ा पहन के आए हैं तो हम भी एक कलर बहुत अच्छा, यही कलर में हम भी एक कपड़ा पहनते हैं। अगर मैं इस बात को सुनूंगा मुझे तो दुख लगेगी। नहीं, एक घंटा जो आपके सामने हम चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहे हैं, इसमें से आपका जीवन में कौन सा मोटिवेशनल हुआ है, कौन सा आपके अंदर प्रेरणा हुआ है, कौन सी आप प्रेरणा पाए हैं, किस प्रकार जीने के लिए आपका इरादा को आपने बदला है, कैसे मान के चलिए अगर आप संसारिक जीवन जी रहे, नहीं आज के बाद हम स्वर्ग राज में जाने के लिए, जैसे वचन में लिखा है कि स्वर्ग के साथ जो जबरदस्ती करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करता है, सबको स्वर्ग राज में नहीं जाता। आप यीशु को जानिए मानिए या नहीं जानिए, नहीं मानिए वो अलग बात है, चर्च जाइए नहीं जाइए वो सब अलग बात है, लेकिन स्वर्ग राज्य में स्वर्ग राज्य के साथ आप कितना जोर जबरदस्ती करते हैं, कितने बातों के हम जोर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन आज आप इस बात को सोचिए स्वर्ग जाने के लिए कितना आप जबरदस्ती करते हैं, कितना आप उससे स्वर्ग राज्य के साथ जोर जबरदस्ती आप उसके साथ करते हैं। सुबह के समय में आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा के कारण बनती है, उत्साह के कारण बनती है, आत्मिकता के कारण बनती है, और दूसरों के जीवन का आप गड्ढा से उठाने का कारण बनते हैं, दूसरों का आप आत्मिक बनाने के कारण बनते हैं, क्या दूसरों का आप प्रार्थना के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, संगति करो, कौन सी बात आप ज्यादा करते हैं? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है 29 पद, एक बार आओ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरे जो आपकी बातों को सुनते हैं उनके अंदर आप में उन्नति हो। कोई गलती करता है तो सपोर्ट मत कीजिए, वो कभी नहीं सुधरेगा। आपकी बात हा में हा, ना में ना हो, और आपकी बात
दूसरों को आत्मिक ताकत मिलाने का कारण बने। आपकी बात, आपकी बोली, आपकी बातचीत, आपके चाल चलन, आपके रहन सहन, आपकी हर बातें आपके चारों तरफ रहने वाले, चाहे आपकी पत्नी हो सकती है, चाहे आपका पति हो सकता है, चाहे आपके बाल बच्चे हो सकते हैं, चाहे आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, चाहे आप बाजार में हो सकते हैं, कहीं कॉलेज में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, कहीं भी रहे, आपके जीवन से लोग प्रेरणा पाए। साल के अंत में आ गए, एक हफ्ता और रहेगा, अगला कब हम बदलेंगे, कब हम सुधरेंगे, कब हमारे जीवन में परिवर्तन को हम लाएंगे। भाई मैंने सुबह गंभीर बात लिखा है, दूसरों की उन्नति होने लायक बातें करे, काम करे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। नीचे बहुत गंभीर बात है, अगर ये नहीं करते हैं, इस प्रकार का हमारे जीवन नहीं बदलता है, क्या होता है, पढ़े 30 पद। पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहे, जब आप दूसरों को उन्नति नहीं दे रहे, जब आप दूसरों को स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता नहीं दिखा रहे, जब आप परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में लोगों को बतलाते नहीं, सिखाते नहीं, समझाते नहीं, आप में से प्रकट नहीं करते हैं, तब आप संसारिक है। भले आप बपतिस्मा ले लिए होंगे, भले आप महीना में एक बार प्रभु भोज में शामिल होते होंगे, भले आप जो है परमेश्वर को जानते होंगे, लेकिन अन्य जातियों के साथ जब आप रहते हैं, अन्य जाति बन जाते हैं, उनके जैसे बोली, उनके जैसे चाल चलन, उनके जैसे सादा जो शब्द है रिश्ता में आता है, पत्नी का भाई साल, लेकिन उसको लोगों ने गाली शब्द में उसको भाषा बदल दिया, भाषा में बदल दिया। कितने लोग वो शब्द बोले बिना कोई बातें नहीं करते हैं। आप अन्य जातियों के साथ मिलकर के अन्य जाति के कारण बनिए मत, क्योंकि आप में से यीशु मसीह को लोग देख नहीं पाएंगे। आपकी बोली से, आपकी चाल चलन से, आपकी आपकी रहन सहन से प्रभु दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो बात आपके अंदर नहीं रहेगी तो पवित्र आत्मा की किस तरह दुख लगता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए छाप दी गई है। भाई बहन, छुटकारा के दिन प्रभु यीशु मसीह जिस दिन इस संसार में आएगा, हमारा हाथ प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के देने वाला आपका पास्टर नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा वो काम करेगा। बात को अच्छा से समझ लीजिए, वो काम पवित्र आत्मा करेगा। दूल्हा और दुल्हन की शादी पवित्र आत्मा संबोधित करेगा, आत्मा अगुवाई करेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया उस पर विश्वास करने वाले जितने लोग इस संसार में, सबकी मेल में, सबके साथ मुलाकात पवित्र आत्मा करेगा। प्रकाशित वाक्यों को आप बाद में पढ़ लीजिए, किताब में आखिरी दो अध्याय को पढ़ लीजिए, 20-21-22 पद को पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए, लिखा है वहां पर पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के साथ जोड़ने का काम, मिलाने का काम करता। लेकिन अगर हम यहाँ रहते समय में प्रभु यीशु मसीह आने से पहले, हमारे यहाँ रहने के समय में अगर हमारे जीवन की बातों में से बहुत बातें ऐसा है, कुछ बातों में गड़बड़ी है, जिसके चलते पवित्र आत्मा का दिल में चोट लगती है, वो शोकित होता है, उसको हम दुखी करते हैं, और अगर हम उसको जो है हम रुलाने का काम अगर करते हैं, बाइबल धर्म साफ बताते 30 पद है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए छाप दी गई है। हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला, मिलाने वाला। हालेलुया, हमारी धरती में से जो बारात जाएगी दूल्हा से मिलने के लिए, उस बारात को अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ही धरती में रहने वाले सभी दुल्हनों को बारात के, देखिए आत्मिक बारात किस तरह है, संसारिक बारात लड़का लेकर के जाता है लड़की के पास, लेकिन आत्मिक बारात देखिए धरती में रहने वाले दुल्हनों को इकट्ठा करके पवित्र आत्मा दूल्हा के साथ ले जाएगा। हालेलुया, तो उस दिन आप छूट न जाए, उस दिन उस संख्या में से आप कट न जाए, उस दिन आपका नाम मिट न जाए। इसीलिए बाइबल धर्म साफ बतलाती है, आपका जीवन एक अर्थ बने, आपका बोली दूसरों को उन्नति का कारण बने, दूसरों को
कहीं भी, मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी कलीसिया के लोग कोई भी कहीं गलती करते हैं, जाके जरूर बोलिए भैया ये गलत है, दीदी ये गलत है, बच्चे ये गलत है। हमारे जीवन दूसरों के लिए आत्म भरी हो, आनंद भरी हो, उन्नति भरी हो। अगर ये नहीं है हमारी जिंदगी एक अंत से भरा हुआ नहीं रहेगा। बहुत बोलने का मन करता है लेकिन समय समाप्त हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन एक गवाही को मैं बतलाऊंगा, उससे जरूर आप ये नहीं समझ पाए तो कम से कम वो तो समझ पाए। 1997 में झारखंड के लोहरदगा करके एक जिला झारखंड प्रांत के, उस लोहरदगा प्रांत में जिला में झारखंड प्रांत के लोहरदगा जिला में एक मिशनरी को मसीह विरोधी लोगों ने बड़ी बुरी तरह से काट डाला। वो कुछ नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार गांव के लोगों को सुनाना चाह रहे थे, उसके चलते वो अपने पैसा से एक मंच बनाए और अच्छा गाने वाले बजाने वाले बोलने वाले सेवकों को बुलाए और उनका नाम भाई मंगल बना। सब तैयारी हो गई थी और मीटिंग शुरू होना था, कुछ लोग आकर के इस तरह अल्लाह गुला किया, बहुत नुकसान पहुंचाया और उसी दिन रात में लोग मीटिंग तो बंद कर दिया, कम से कम प्रार्थना करेंगे, रात प्रार्थना करेंगे, गांव में एक घर में बैठ करके लोग रात में प्रार्थना करते थे। उस समय रात में मशाल लेकर के बाजा उजा बजाते हुए हाथ में मिट्टी तेल लाठी घंटा और खतरनाक हथियार सब लेके आ गया और जिस घर में प्रार्थना हो रहे थे वो मंगल पन्ना भाई घर छोड़ करके बाहर गया, उनके साथ और दो भाई गए, तीन जन बाहर जाके बंद कर दिए। तब तक कुछ लोग विरोधी लोग घर के ऊपर चढ़ करके मिट्टी तेल छिड़क रहे थे, घर को पूरा एक ही बार जला देंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। 62-65 लोग थे, करीब 60 से ज्यादा लोग थे, तो उन लोग को महक लग गया, इसलिए वो लोग दौड़ के बाहर आए, दरवाजे बाहर बंद कर दिए अंदर रहने वाले ताकि सुरक्षित रहे। जैसे ही देखा मंगल पन्ना भाई को तुरंत उनको बुला करके उनसे कुछ लोग बात कर ही रहे थे, तब तक पीछे से लकड़ी काटने वाला पेड़ काटने वाला बड़ा सा कुल्हाड़ी नहीं होता है, उस कुल्हाड़ी से एक बार पीछे से सर पर ऐसा मारा, सर दो बार में एकदम फट गया और बेहोशों के नीचे गिरे और हाथ पैर को काटा, बहुत कुछ उनको करके और थोड़ा सा जानता सीना के कुछ लोग चढ़ के कूद रहे थे, बोलो यीशु मसीह को, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, इनकार करो, यीशु का इनकार। वो उस अब उनको आवाज नहीं आएगा, उस हालात में उनको इतना लोग ने दुख दिया ऐसी, और बाकी दो भाइयों को काटा था, कैसे वो लोग अपना जान बचने के लिए बचाने के लिए बात किया, किसी को हाथ कट गया, किसी को पैर में कटा और ये लोग भी मर गया। उसके बाद छोड़ के चला गया, चले जाने के बाद दूसरा दिन उसी गांव में मंगल पन्ना भाई का लाश ले गए अस्पताल, पोस्टमार्टम हुआ तो लेकर गांव में आए, जब अंतिम संस्कार दफनाने की प्रार्थना फ्यूनरल सर्विस बोलते ना, तो उस दफनाने के आप प्रार्थना सभा जब हो रहे थे, पास्टर साहब ने सब कुछ करने के बाद उनकी पत्नी से पूछा, उनको चार बच्चे, उसमें एक बच्चा लड़का था, बचपन से ही कमर के नीचे दोनों पैर है ऐसे चलता फिरता नहीं, उस लड़का का नाम दानियल, अभी बड़ा हो गया। मां से पूछा गया, यानी पत्नी से पूछा गया, आप कुछ बोलना चाहती हो? पास्टर साहब ने उनका आमंत्रित किया, आगे एक ही बात बोली, जो सेवा मेरे पति किए थे उस सेवा को मैं करूं। जिन लोगों के लिए पति किया तो यीशु का वचन को प्रचार किया वो काम नहीं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं आज भी वो बहन उसी गांव में लोहरदगा जिला में बंसरी करके उस गांव का नाम वहां पर आज भी है, आज भी वो सेवा में, परमेश्वर को धन्यवाद। जीना है प्रभु के लिए जिए, अर्थ भरे जीवन जिए, दूसरों का आत्मिक उन्नति के लिए जिए। मैं फिर अंत में यही कह रहा हूं, आज के समय बहुत बुरा है,
देश के लिए भी बोल रहा हूँ, बहुत बुरे समय में कलिशिया धरती में पाई जाती है, इस समय मनोरंजन के लिए ज्यादा समय मत दीजिए, आत्मिक बनने के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, साथ ही साथ संसार में क्या हो रहा है, अब आजकल सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब के माध्यम से कुछ सुना कीजिए क्या हो रहा है। दुखी घटना ये है मणिपुर के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, हमारे देश में 100 करोड़ को लोग अभी तक मालूम नहीं हुआ होगा कि जो मणिपुर में घटना घटी थी उसमें करीब करीब 87 लोगों का लाश माचेरी में आइस बक्सा में रखा हुआ था, तो उसको परसों दिया गया एक बहुत बड़ा मैदान में, सबको ही मसीह है, बहुत बड़ा मैदान में उन सभी लाशों को लाके एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, सीआरपीएफ थे, बहुत ज्यादा मतलब जितना संख्या में लोग थे उससे ज्यादा संख्या में वहां पर पुलिस और आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स सबको इकट्ठे थे। मैं इसलिए इस बात पे यहां जोड़ रहा हूं, ज्यादा आप मनोरंजन करके आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसको जानने से आप अलग मत होइए। दूसरा, आपकी आत्मिकता से लोगों को उन्नति होना है, आपकी आत्मिकता से लोगों को उत्साहित होना है, आपकी आत्मिक जीवन से लोग प्रेरणा पाना है, आपकी आत्मिक जीवन से लोग एक आत्मभरी जीवन जीना है, उस लायक पहले आप अपने आप को बनाइए। आइए हम अपने आप को प्रबंध करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सत्य वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरे वचन में जैसा लिखा है कि तू ही हमारा शांति देने वाला प्रभु है, तू ही हमारा जीवन को सवारने वाला, सरियाने वाला, सही करने वाला प्रभु है। प्रभु जी हमारा जीवन शांति से और दूसरों को शांति देने लायक होने पाए, और दूसरा हमारा जीवन आत्मभरी हो, दूसरों के लिए आशीष भरी हो, दूसरों के लिए प्रेरणा भरी हो, दूसरों के लिए उन्नति भरी जीवन हमारे हो, दूसरों को जगाने वाले, दूसरों को प्रेरणा देने लायक जीवन हमारा होने पाए स्वामी, उसके लिए हम सबों को पर अनुग्रह प्रदान कीजिए। यहाँ रहने वाले सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, और गूगल मीट के माध्यम से रहने वाले जुड़े हुए लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं, और बाद में यूट्यूब के माध्यम से इस सत्य वचन को सुनने वाले सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन प्रभु शांतिदायक हो और प्रेरणादायक हो, एक आत्मभरी जीवन होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा को दिए देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर लो पिता। सबको मिलके बोलेंगे हे मेरे मन।